हेलो एवरीवन। तो आफ्टर नोमेनक्लेचर आवर नेक्स्ट हेडिंग इज देयर नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, मतलब जो कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड बना है उसका नेचर कैसा है। हालांकि आपको ये बात तो पता है कि बॉन्ड जो होता है कोवलेंट होता है। यहाँ क्यों होता है? क्योंकि हेलोजन भी क्या है आपका? नॉन मेटल। कार्बन भी क्या है आपका? नॉन मेटल। और नॉन मेटल बॉन्ड विद नॉन मेटल क्या कैसा बॉन्ड बनता है आपका? कोवलेंट बॉन्ड बनता है। बट कोवलेंट बॉन्ड भी क्या 100% कोवलेंट बॉन्ड बनता है? नहीं, क्योंकि फजन रूल आपने पढ़ रखा है 11th क्लास में, जो क्या कहता है कि नो बॉन्ड इज 100% आयनिक और 100% कोवलेंट। कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक और कोवलेंट नहीं होता। तो यहां भी हालांकि बॉन्ड कोवलेंट है, तो क्या यहां भी कुछ आयनिक करेक्टर होगा? होगा। तो वो कैसे पता करेंगे कि हम है भी या नहीं? सो लेट्स स्टार्ट। तो ये समझाने के लिए मैं एक जनरल एग्जांपल यहां लिख लेता हूं। मैंने यहां पे लिख लिया है कार्बन और एक्स। एक्स का मतलब यहां किसी भी हेलोजन से है, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन चारों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, सो एक्स स्टैंड फॉर एनी वन ऑफ दीज। तो ये जो बॉन्ड बना है इनके बीच में, ये बॉन्ड कैसा है? हाँ, हमें पता है कि कोवलेंट बॉन्ड है, बट कोवलेंट बॉन्ड होते हुए भी क्या इस कार्बन पे और इस हेलोजन पे कोई चार्ज आएगा? बिल्कुल आएगा। सभी को पता है जो आपके हेलोजन्स होते हैं दे आर हाईली क्या ई एन का मतलब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। और इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर होते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने पढ़ रखी है 11th क्लास में, क्या होती है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट ए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक टेंडेंसी होती है एक अट्रैक्ट करने की। किसको अट्रैक्ट करने की? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको पता है इस बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो जो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये किसकी तरफ जाएगा? कार्बन की तरफ जाएगा या एक्स की तरफ जाएगा? वो डिपेंड किस पे करेगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी ये बॉन्ड उसी की तरफ चला जाएगा। आपको पता है पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से होते हैं आपके? वो होते हैं आपके हेलोजन। सो ड्यू टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स इट विल अटेन पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो फिर यहां पे चार्ज कैसा आ जाएगा? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। सो ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेलोजन विल अटेन पार्शियल नेगेटिव, कार्बन विल अटेन पार्शियली पॉजिटिव, जिसके कारण ये बॉन्ड क्या हो जाता है? पोलराइज। क्या हो जाता है? पोलराइज, जिसको हम कई बार बोल देते हैं डाइपोल, बोल देते हैं कि दो पोल बन जाते हैं। एक साइड कैसा पोल आ गया? नेगेटिव पोल। दूसरी साइड कैसा पोल आ गया? पॉजिटिव पोल। या क्या कह सकते हैं, बॉन्ड क्या हो गया? पोलराइज। बस में आ गई। तो कोई आपसे अगर पूछता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड हियर, तो आप इसको कोवलेंट और आयनिक ना बोलें कि बॉन्ड कोवलेंट है, बॉन्ड आयनिक है, क्योंकि आपको पता है कोई बॉन्ड 100% आयनिक और कोवलेंट नहीं होता अकॉर्डिंग टू फजन रूल। तो आप यहां क्या बोलोगे कि दिस बॉन्ड इज पोलराइज बॉन्ड, या ये कह सकते हैं कि नेचर ऑफ जो सी एक्स है यहां वो क्या है? वो डाइपोलर नेचर है, या ये कह सकते हैं कि वो डाइपोल जनरेट कर रहा है, वो खुद में क्या हो गया है? पोलराइज। अब पोलराइज क्यों हो गया है, डाइपोल क्यों बना लिया है? ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसकी? हेलोजन्स की। हेलोजन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? हाई। तो ड्यू टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इट will attract the shared pair of electron and it will attain partially negative charge. So that is the nature of CX bond. But क्या हमें यही पढ़ना है इसके अंदर? नहीं। अगर nature आपको पता लग गया कि CX bond का nature कैसा है? Polar। तो फिर इससे आपको पता लग गया कि bond कैसा है? Polarized। कैसा है? Dipole। But आपको ये भी तो पता है आपके पास halogen सारे क्या होते हैं? अलग अलग। आपके पास CF का bond होगा, CCl का bond होगा, CBr का बॉन्ड होगा और CI का बॉन्ड होगा। क्या इन सब की प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम रहेगी? मतलब क्या सारे इक्वली ही पोलराइज रहेंगे? नहीं। इन सब की प्रॉपर्टी, कौन कौन सी प्रॉपर्टी? अगर मैं बात करूं इनके बॉन्ड लेंथ की बात करूं, अगर मैं इनके बॉन्ड एंथैल्पी की बात करूं, या फिर मैं इनके डाइपोल मोमेंट की बात करूं, तो ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं?
अलग हो जाती हैं, मतलब बोन लेंथ सबकी क्या रहेगी, डिफरेंट, बोन एंथैल्पी भी सबकी क्या रहेगी, डिफरेंट, और डायपोल मोमेंट भी सबका क्या रहेगा, डिफरेंट। कैसे रहेगा बता देता हूं। सी और एफ, आपको पता है एफ का साइज क्या होता है, स्मॉल, सी एल का थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बी आर का इससे बड़ा हो जाता है, और आयोडीन का सबसे बड़ा साइज रहता है। आपको पता है एज साइज इंक्रीज, जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ भी क्या करती है, इंक्रीज, मतलब कैसा प्रोपोर्शनल हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, साइज इंक्रीज बॉन्ड लेंथ इंक्रीज। अगर मैं आपसे बात करूं सी एफ की बॉन्ड लेंथ, तो सी एफ की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम, सी आई की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा, तो सी एफ की बॉन्ड लेंथ कम होती है इन कंपैरिजन ऑफ सी आई, क्योंकि आयोडीन का साइज क्या होता है, ज्यादा बड़ा होता है। तो बॉन्ड लेंथ टॉप टू बॉटम अगर मैं बात करूं तो सी एफ, सी सी एल, सी बी आर, सी आई, अगर मैं टॉप टू बॉटम जाऊंगा तो जो बॉन्ड लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज, मतलब सी एफ से सी आई तक बॉन्ड लेंथ इंक्रीज। और अगर मैं ऑर्डर बनाऊंगा तो ऑर्डर बन जाएगा सी एफ, सी सी एल, सी बी आर या सी आई। आपको अगर मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर बताऊं, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताऊं, तो वो आप ये लिख के अपने आप जनरेट कर सकते हैं। तो मैं यहां बना रहा हूं इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से। तो ये ऑर्डर कैसा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है, बॉन्ड लेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, बात समझ में आ गई। अगर आप इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाओगे तो वो क्या आ जाएगा, सी आई पहले आएगा, फिर सी बी आर आएगा, फिर सी सी एल आएगा, और लास्ट में क्या आएगा, सी एफ। ये हो गया आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, और ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर। ध्यान रखना, बच्चे गड़बड़ करते हैं इस साइन में, साइन को इधर उधर कर देते हैं, बट आपको ध्यान में ये रखना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब असेंडिंग ऑर्डर, और डिक्रीजिंग मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर आपने पढ़ रखे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यूज भी, कौन सी पहले आएगी कौन सी लास्ट में आएगी, ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये तो वो ऑर्डर होगा किसका, बॉन्ड लेंथ का। अगर मैं बात करूं इधर बॉन्ड एंथैल्पी की, आपने पढ़ रखा है कि जो बॉन्ड लेंथ होती है, ये 11th क्लास में पढ़ रखे हैं आपने सारे, कि जो बॉन्ड लेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, बॉन्ड एंथैल्पी, मतलब अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या करेगी, डिक्रीज। ध्यान देना, मैंने कहा बॉन्ड लेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, साइज के, किसके साइज के, हेलोजन का साइज था, कार्बन का सब जगह सेम ही था, कार्बन का साइज सब जगह सेम था बट हेलोजन का साइज वेरी कर रहा था, जिसके कारण साइज मैंने यहां पे लिया था। तो साइज इंक्रीज बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, साइज के इंक्रीज होने से बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी, बट अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई तो बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड एंथैल्पी के। अब ये बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, बॉन्ड एंथैल्पी आपकी दो होती है, पहली कौन सी, बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी, दूसरी कौन सी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, 11th क्लास में पढ़ रखी है। बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी मतलब एंथैल्पी चेंज टेक्स प्लेस व्हेन एनी बॉन्ड विल फॉर्म, या व्हेन अ सिंगल बॉन्ड विल फॉर्म, कि कितनी एनर्जी चेंज होगी जब एक बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मतलब एंथैल्पी चेंज या एनर्जी चेंज व्हेन वन मोल बॉन्ड विल ब्रेक, या वन बॉन्ड विल ब्रेक, जब एक बॉन्ड टूटेगा तो एट द टाइम क्या एनर्जी चेंज होगी, वो क्या कहलाता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो मैं यहां बी डी ई की बात करूंगा, क्योंकि बॉन्ड तो मेरे पास बने हुए हैं, इनको क्या करना है, मुझे तोड़ना है, तो अगर मैं इनको तोड़ूंगा तो बॉन्ड एंथैल्पी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सोच के बोलना। सी एफ और सी आई, विच बॉन्ड विल ब्रेक इजिली एंड विच बॉन्ड विल ब्रेक विद डिफिकल्टी। सी आई में मैंने बताया आई का साइज बड़ा है तो लेंथ मतलब बॉन्ड लेंथ क्या है, ज्यादा। एफ का साइज क्या है, छोटा, मतलब बॉन्ड लेंथ क्या है, स्मॉल। अब छोटी बॉन्ड को तोड़ना आसान है कि बड़े बॉन्ड को तोड़ना आसान है, एग्जाम्पल मैं लेके चलूं, मेरे पास ये पेन मार्कर की कैप है,
एक मेरे पास मार्कर रिकैप हो गई, एक मेरे पास ये मार्कर हो गया। आउट ऑफ दीज टू विच वन इज इजी टू ब्रेक, इसको तोड़ना आसान है कि इसको तोड़ना आसान है। मान लीजिए ये मेरे पास है सी एफ बॉन्ड, ये मेरे पास है सी आई बॉन्ड, तो इसको तोड़ना आसान है। तो मतलब इसको तोड़ने में, इसके डिसोसिएशन में एंथैल्पी क्या लगेगी? कम। इसका मतलब अगर मैं टॉप टू बॉटम आऊंगा, कहां से कहां, सी एफ सी सी एल सी बी आर और सी आई, सी एफ से सी आई तक आऊंगा, तो मेरी बी डी ई, या मैं सिंपली बोल दूं बॉन्ड एंथैल्पी क्या करेगी? डिक्रीज। यही मैंने यहां लिखा कि बॉन्ड लेंथ अगर इंक्रीज करती है तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या करेगी? डिक्रीज। बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज विद इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ। बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन कैसे भी बन जाए, ऑर्डर पूछ ले, आपको दो एग्जांपल देके पूछ ले, तो ध्यान में रखना है कि बॉन्ड एंथैल्पी डिपेंड किस पे करती है? वो करती है बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड। छोटा बॉन्ड है, एंथैल्पी ज्यादा लगेगी तोड़ने में, छोटा बड़ा बॉन्ड है, एनर्जी कम लगेगी तोड़ने में। बात समझ में आ गई। तो मैंने आपके पास दो पॉइंट बताए हैं, पहला पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट आपका क्या बन जाएगा कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी। नेक्स्ट क्या है? डायपोल मोमेंट। अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती है तो बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज करती है। सेम ही ऑर्डर आप किसमें लगाइए, बॉन्ड एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायपोल मोमेंट। मतलब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करने से डायपोल मोमेंट भी क्या होता है? डिक्रीज। अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी तो डायपोल मोमेंट भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। बट यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एक एग्जांपल या एक क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया है, क्या अगर मैं लू सी एफ और मैं लू सी सी एल, आउट ऑफ दीज टू हुज डायपोल मोमेंट इज मोर, इन दोनों में डायपोल मोमेंट ज्यादा किसका होता है? पी ब्लॉक चैप्टर में मैंने आपको पढ़ा रखा है क्या, एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोरीन पढ़ाया है, एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ एफ पढ़ रखी है हमने। एनोमलस प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है? स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये प्रॉपर्टी हम वहां डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर सी एफ बॉन्ड और सी सी एल बॉन्ड में कोई आपसे पूछे कि विच वन इज हैविंग मोर डायपोल मोमेंट, तो ध्यान देना यहां सी सी एल बॉन्ड का डायपोल मोमेंट थोड़ा सा क्या हो जाता है? ज्यादा, ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन देयर इन एफ, या कह सकते हैं एलपी एलपी रिपल्सन। वैसे बता दूं फ्लोरीन के केस में, मतलब सी एफ बॉन्ड का जो आपका डायपोल मोमेंट होता है इट इज नियर अबाउट 1.847, और जो सी सी एल बॉन्ड का होता है दैट इज 1.860, तो ये होता है 1.860 और ये होता है 1.847। बात समझ आ गई। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना है कि आउट ऑफ सी एफ एंड सी सी एल हुज डायपोल मोमेंट इज मोर। वैसे सभी का टॉप टू बॉटम क्या करता है? डिक्रीज करता है। बता दूं कैसे डिक्रीज करता है, सभी का मैं लिख देता हूं यार डायपोल मोमेंट। अगर मैं डायपोल मोमेंट की बात करूं किस केस में, सी एफ के केस में कितना होता है 1.847 और सी सी एल का कितना होता है, ये आपका होता है नियर अबाउट 1.860, सी बी आर का कितना होता है 1.830 और सी आई का कितना होता है 1.636। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में टेबल दे रखी होगी, वहां आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे चेक करो, अगर मैं जनरल ट्रेंड देखूं तो टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है? डिक्रीज। बट इन दोनों केस के अंदर ही डिफरेंस है, केवल यहाँ कितना आ गया 1.847, यहाँ कितना आ गया 1.867। क्लोरीन का क्या हो गया, फ्लोरीन वाले से थोड़ा सा ज्यादा हो गया, बट वैसे अगर चेक करें तो ऊपर से नीचे क्या हो रहा है? डिक्रीज। और ये एनोमलस प्रॉपर्टी किसके कारण है? ड्यू टू द एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। बात समझ में आ गई। तो मैंने क्या बताया अभी आपको, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, सी एक्स बॉन्ड का नेचर कैसा होता है? पोलराइज होता है अकॉर्डिंग टू फजन रूल, नो बॉन्ड इज 100% कोवलेंट 100% आयनिक, तो थोड़ा सा पोलराइज बॉन्ड हो जाएगा ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन, इट विल अटेन पार्शियली नेगेटिव चार्ज, कार्बन अटेन पार्शियली
पॉजिटिव चार्ज, बट ड्यू टू दिस पोलराइजेशन कुछ इफेक्ट पड़ेगा, किन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, सी एक्स बॉन्ड, क्योंकि आपके पास एक्स चार है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, तो जो सी एफ सी सी एल सी बी एल सी आई है, तो इन सब की प्रॉपर्टी में कुछ चेंजेस आएंगे, या ये कह सकते हैं कि इनकी प्रॉपर्टी अगर हम चेक करें, कौन कौन सी प्रॉपर्टी, बॉन्ड लेंथ चेक करें, बॉन्ड एंथैल्पी चेक करें, या हम डाइपोल मोमेंट चेक करें, तो उनकी प्रॉपर्टीज वेरी करती हैं। कैसे कैसे वेरी करेंगी, सी एफ की प्रॉपर्टी सी आई से वेरी करेगी, सी सी एल से वेरी करेगी और सी बी आर से वेरी करेगी। वो क्या क्या वेरी करती हैं, तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले मैंने क्या बताया, साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉन्ड लेंथ के, साइज इंक्रीज करेगा किसका, हैलोजन का साइज इंक्रीज करेगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाएगी। बट अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती है, ध्यान सुनना, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती है तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या कर जाएगी, डिक्रीज, वो क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती है तो डायपोल मोमेंट भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, तो डायपोल मोमेंट भी क्या करेगा, डिक्रीज। बट ध्यान में क्या रखना है, एनोमलस बिहेवियर या एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी किसकी, फ्लोरीन की, फ्लोरीन की जो डायपोल मोमेंट है थोड़ी सी कम हो जाती है, किससे, क्लोरीन से, क्योंकि क्लोरीन का साइज, क्लोरीन के का साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है और उसके पास डी ऑर्बिटल होता है, बट क्लोरीन के पास डी नहीं है, स्मॉल साइज होता है, हाई आईई होती है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो उसके कारण उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। सो आफ्टर डिस्कसिंग नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, अवर नेक्स्ट हेडिंग इज देयर मेथड ऑफ प्रिपरेशन। किसके किसकी प्रिपरेशन करनी है हमें, एक हमें करनी है आर एक्स की प्रिपरेशन और दूसरी किसकी करनी है, ए आर एक्स की प्रिपरेशन। तो इनकी हमें प्रिपरेशन पढ़नी है। आज मैं केवल आपको इसका फ्लो चार्ट समझाऊंगा कि फ्लो चार्ट में टोटल कितने मेथड्स हैं जिससे हम ए आर एक्स और आर एक्स बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहला जो मेथड यहां है दैट इज फ्रॉम एल्कोहल, मतलब एल्कोहल से भी आप क्या बना सकते हो, आपका आर एक्स और ए आर एक्स। यहां पे एक चीज नोट करनी है, एल्कोहल से आपका आर एक्स तो बन जाएगा बट ए आर एक्स नहीं बनेगा। ये क्यों नहीं बनेगा ये मैं बताऊंगा आपको जब मैं डिटेल में बताऊंगा, कि अभी तो मैं केवल बता रहा हूं कि कौन कौन से मेथड हैं। हालांकि हिंट आपको दे दूं, बेंजीन पे OH मतलब फिनोल से बनाना पड़ेगा, और फिनोल में बेंजीन और O के बीच में कैसा बॉन्ड करेक्टर होता है, डबल बॉन्ड करेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड क्या है, फ्रॉम एल्कोहल। दूसरा मेथड क्या है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। किसे बनाना है, हाइड्रोकार्बन्स, और फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में भी आपकी तीन सब कैटेगरी हैं, मतलब तीन सब पार्ट हैं, कौन कौन से हैं वो देखिए। सबसे पहला है बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, मतलब हेलोजन एशन करना है, हेलोजन को ऐड करना है, किस मेथड से, फ्री रेडिकल मेथड से। दूसरा क्या है, दूसरा मेथड है आपके पास बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब इलेक्ट्रोफाइल क्या हो जाए, या क्या कर दे, सब्स्टिट्यूट कर दे किसी ग्रुप को, इलेक्ट्रोफाइल आएगा और वहां वो अटैच हो जाएगा और वहां से किसी को निकाल देगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके भी हम क्या कर सकते हैं, अपना आर एक्स बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या है आपके पास, थर्ड वन दैट इज फ्रॉम एल्कीन्स, मतलब एल्कीन से भी आप क्या बना सकते हो, अपने आर एक्स और ए आर एक्स बना सकते हो। बट एल्कीन में भी दो तरीके हैं, सबसे पहला तरीका कौन सा है, सबसे पहला तरीका आपका है कि किसको एडिशन कर दें, एडिशन ऑफ एच एक्स, मतलब एच एक्स को ऐड करें, किस पे, एल्कीन पे। और दूसरा मेथड क्या है, एडिशन ऑफ एक्स बॉन्ड एक्स, या सिंपली क्या लिख दूं, X2 को ऐड कर दो किसी भी एल्कीन पे। अगर मैं सिंपल एल्कीन लेके चलूं तो सिंपल एल्कीन पे जब X2 ऐड होगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा, और अगर मैं सिंपल एल्कीन लूं और उस पे HX ऐड करूं तो क्या बनेगा, वो ये बनेगा। तो ये भी क्या होगा, ये हो गया एल्काइल पार्ट, ये
एक्स, तो एल्काइल एक्स मतलब आर एक्स बन गया, यहां भी आर और ये एक्स बन गया। कैसा बन गया ये? विसिनल की जेमिनल, लास्ट लेक्चर में बताया मैंने, इट इज अवर विसिनल डाई हलाइड, ठीक है। सो ये तीन सब पार्ट होते हैं किसके? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन के। तीसरा पार्ट क्या होता है? दैट इज अवर सैंडमियर्स रिएक्शन। क्या होता है? एक नेम रिएक्शन आएगी, सैंडमियर रिएक्शन। इसी से मिलती जुलती एक और रिएक्शन है, दैट इज गटरमैन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? गटरमैन रिएक्शन। सैंडमियर रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन में जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो दोनों में सेम है, और जो बनेगा वो भी क्या बनेगा? सेम। अब कहोगे जब सेम चीज ली है, सेम चीज बनाई है, फिर नाम अलग अलग लिखने से क्या फायदा? केवल और केवल कैटलिस्ट का डिफरेंस है, दोनों में और कोई डिफरेंस नहीं है। जब मैं डिटेल में करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। फ्लो चार्ट देख लीजिए अभी, आप क्या क्या पढ़ने वाले हो। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट पॉइंट है आपका हेलोजन एक्सचेंज, मतलब बाय डूइंग हेलोजन एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या होता है? अदला बदला। ब्रोमीन जाएगा तो आयोडीन आएगा, या क्लोरीन जाएगा तो आयोडीन आएगा, या फिर क्लोरीन जाएगा तो फ्लोरीन आएगा। तो फ्लोरीन और आयोडीन का अदला बदला करना है किसके साथ? क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ। इसीलिए इसको भी दो सब कैटेगरी में पढ़ेंगे। कौन कौन सी? सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिंकलस्टीन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? फिंकलस्टीन रिएक्शन। और दूसरी कौन सी पढ़ेंगे? स्वेट्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? स्वेट्स, SWARTS, स्वेट्स रिएक्शन एंड फिंकलस्टीन रिएक्शन। याद रखने के लिए बता दूं, फिंकलस्टीन रिएक्शन में जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? RI, मतलब यहां आयोडीन वाला एल्काइल बनेगा। स्वेट्स रिएक्शन में आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा RF, मतलब फ्लोरीन वाला एल्काइल हलाइड बनेगा। पास में आ गई। नेक्स्ट आपका कौन सा है? लास्ट वाला, दैट इज अवर हंस डीकर रिएक्शन। पूरा नाम क्या है? बोरोडीन हंस डीकर रिएक्शन। इसमें याद रखने वाली बात क्या है? इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? RBR। अब कहोगे कि RBR क्यों बनेगा, RCL? यही तो खास बात है, नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन किसी साइंटिस्ट ने काम किया है, तो जो साइंटिस्ट ने काम किया है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। उसने अगर RBR बनाया है तो आपको RBR ही याद रखना पड़ेगा। तो हंस डीकर में याद क्या रखना है? RBR बनेगा। स्वेट्स में RF बनेगा। फिंकलस्टीन में RI बनेगा, ठीक है। इन दोनों केसेस के अंदर मैंने बताया आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या बनेगा? सेम। यहां आपका Cl और Br, मतलब ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, और यहां भी आपका प्रोडक्ट क्या रहेगा? या तो Cl ऐड होगा या फिर Br ऐड होगा। टोटल कितने पॉइंट आपके पास हो गए? सबसे पहला पॉइंट आपके पास हो गया फ्रॉम एल्कोहल, दूसरा पॉइंट आपके पास हो गया फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। इसके तीन सब पार्ट हैं, ए पार्ट फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, बी पार्ट बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और सी पार्ट फ्रॉम एल्कीन। और जो एल्कीन वाला पार्ट है, इसके दो सब पार्ट हैं। कौन कौन से हैं? एक किसका एडिशन कर दो? एच एक्स का एडिशन। तो एक तरफ एच आ जाएगा, एक तरफ एक्स आ जाएगा। किसके? एल्कीन के। एल्कीन पे एक तरफ एच जोड़ दीजिए डबल बॉन्ड को तोड़ के, एक तरफ एक्स जोड़ दीजिए। एडिशन ऑफ एक्स एक्स, मतलब X2 ऐड करना है, तो दोनों तरफ क्या आ जाएंगे? एक्स एक्स आ जाएंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है आपके पास? सैंडमियर रिएक्शन। फोर्थ क्या है? गटरमैन। दोनों रिएक्शन बिल्कुल सेम है। वैसे मैं बता दूं लर्न रखने के लिए, सैंडमियर में जो रिएजेंट लिया जाएगा CuCl विद HCl, और गटरमैन में लिया जाएगा Cu विद HCl। दोनों में केवल यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। यहां क्या लिया गया? CuCl किसके साथ? HCl के साथ। बट यहां केवल कॉपर लिया गया है, किसके साथ? HCl के साथ। आपकी NCERT बुक में इसकी जगह एक रिएजेंट और लिखा मिलेगा, क्या? Cu2X2। Cu2X2 भी ले सकते हो, CuCl विद HCl भी ले सकते हो। ध्यान में क्या रखना है? यहां भी कॉपर पे चार्ज कैसा है?
प्लस वन। यहाँ भी कॉपर पे चार्ज कैसा है? प्लस वन, मतलब कॉपर प्लस वन स्टेट में होना चाहिए। बात समझ में आ गई, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट क्या है आपका? हेलोजन एक्सचेंज। हेलोजन का अदला बदला करना है, ब्रोमीन की जगह फ्लोरीन पहुंच जाएगा या आयोडीन पहुंच जाएगा, ठीक है। इसके भी दो सब पार्ट हैं, कौन सा? एक है फिंकलस्टीन, दूसरा कौन सा है? स्वेट्स रिएक्शन। फिंकलस्टीन में आर आई बनेगा, स्वेट्स रिएक्शन में आर एफ बनेगा। और लास्ट सिक्स्थ पॉइंट क्या है आपका? बोरोडीन हंस डिकर रिएक्शन क्या बनेगा? आर बी आर बनेगा। ये फिक्स्ड प्रोडक्ट हैं, इनमें ये ही बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट द फ्लो चार्ट ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आर एक्स एंड ए आर एक्स। डिटेल में डिस्कस इनको नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में।